दोस्तों साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें तो आप सभी ने देखी होगी, जहां इस फिल्म में हमें कई दमदार कलाकार देखने को मिले थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग के एक्सप्रेशन से इस फिल्म को हिट बनाया था। दर्शकों ने इस फिल्म के स्टोरी के साथ साथ फिल्म के कलाकारों को भी अपना बेशुमार प्यार दिया, जिसके चलते इस फिल्म के कलाकार काफी ज्यादा फेमस हुए जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं। लेकिन आज इस फिल्म को रिलीज हुए करीबन 22 साल हो चुके हैं और इन 22 सालों में इस फिल्म में नजर आए कलाकार भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें आज पहली नजर में देखकर शायद ही आप पहचान पाए। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के कलाकारों की आज के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस फिल्म के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, शमिता शेट्टी। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में इशिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शमिता शेट्टी का। तो आपको बता दें, इस फिल्म में ये काफी शॉर्ट और स्टाइलिश ड्रेसेस पहने हुए मॉडर्न नजर आई थी, जिन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी काफी स्टाइलिश तरीके से रखा था। तो वहीं ये आज 43 साल की हो चुकी है, वहीं आज भी ये पहले की तरह काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखती है। जहाँ ये वेस्टर्न और स्टाइलिश ड्रेसेस पहने हुए काफी ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बता दी आज भी ये पहले की तरह सिंगल है, लेकिन इन दिनों राकेश बापट को ये डेट कर रही हैं, जिनके साथ ही अक्सर ही स्पॉट की जाती हैं। वहीं इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है। नंबर 2, उदय चोपड़ा। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर नाम शुमार होता है फिल्म में विक्रम कपूर का किरदार निभाने वाले अभिनेता उदय चोपड़ा का। तो आपको बता दिए, इस फिल्म में यंग विक्रम बने हुए स्टाइलिश ड्रेसेस पहने हुए काफी हैंडसम लुक में नजर आए थे। तो वहीं आज 49 साल के हो गए हैं और आज पहले से बिल्कुल बदल गए हैं। ये आज पहले से काफी ज्यादा हेल्दी हो गए हैं और पहले से काफी ज्यादा फेयर भी नजर आते हैं। इनकी आज की पिक को देखकर दर्शक इन्हें पहचानने में धोखा खा जाते हैं। वहीं एक नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ पर तो आपको बता दिए, पहले की तरह आज भी सिंगल है और अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में रहकर जिंदगी बिता रहे हैं। आज उन्होंने अपने करियर से दूरी बना रखी है। नंबर 3, जिमी शेरगिल। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार होता है इस फिल्म में करण चौधरी का किरदार निभाने वाले अभिनेता जिमी शेरगिल का। फिल्म में ये क्लीन शेव करे हुए सिंपल हेयर स्टाइल और फॉर्मल ड्रेसेस में काफी हैंडसम नजर आए थे। तो वहीं ये आज 51 साल के हो गए हैं और आज ये पहले से काफी ज्यादा बदल गए हैं। आज इनके फेस पर हमें बियर्ड और मूछें देखने को मिलती हैं। वहीं इन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी पहले से चेंज कर लिया है और आज ये डिफरेंट ड्रेसेस पहने हुए स्टाइलिश नजर आते हैं। वहीं एक नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ पर तो आपको बता दिया, आज शादीशुदा हैं। उन्होंने साल 2001 में प्रियंका पुरी से शादी कर अपना घर बसा लिया था, जिनके साथ ही आज खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं इन्होंने आज भी पहले की तरह अपने करियर को बरकरार रखा है। नंबर 4, किम शर्मा। इस लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम शुमार होता है फिल्म में संजना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री किम शर्मा का। तो आपको बता दिए, फिल्म में वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह के ड्रेस पहने हुए खूबसूरत लुक में दिखाई दी थी। तो वहीं आज 42 साल की हो गई हैं और इन सालों में ये काफी ज्यादा बदल चुकी है। ये आज पहले से ज्यादा बोल्ड नजर आती है, जहाँ ये ज्यादातर शॉर्ट और स्टाइलिश ड्रेसेस में बोल्ड लुक में देखे जाते हैं। वहीं एक नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ पर तो बता दें, इन्होंने साल 2010 में अली पंजाबी से शादी कर घर बसा लिया था, लेकिन इनकी ये शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई, जिसके चलते इनका 2016 में डिवोर्स हो गया और आज ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहकर जिंदगी बिता रही हैं। इन्होंने आज अपने करियर से दूरी बना रखी है। नंबर 5, जुगल हंसराज। इस लिस्ट के पांचवें नंबर पर नाम शुमार होता है फिल्म में समीर वर्मा का किरदार निभाने वाले अभिनेता जुगल हंसराज का। फिल्म में ये क्लीन शेव किए हुए सिंपल हेयर स्टाइल और सिंपल ड्रेसेस के साथ हैंडसम लुक में नजर आए थे। तो वहीं आज 49 साल के हो गए हैं और इन सालों में ये काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आज ये पहले से काफी ज्यादा ओल्ड नजर आते हैं और इनके फेस पर सफेद कलर की बियर्ड भी देखने को मिलती है। वहीं इनके हेयर भी थोड़े थोड़े व्हाइट नजर आते हैं। वहीं इनके फेस पर बढ़ती उम्र की झुर्रियां देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बता दें, इन्होंने साल 2014 में जैस्मिन हंसराज से शादी कर घर बसा लिया था और आज उन्हीं के साथ एक्टिंग करियर से दूरी बनाकर खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं।
तो दोस्तों मोहब्बतें फिल्म के कलाकारों के आज के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।